हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मिट्टी से एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से एक विलेज गर्ल बना के दिखाऊंगा। आज का ये जो क्ले मॉडलिंग का जो तरीका है ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है, तो इसीलिए जो लोग बिगिनर्स हैं, जो लोग क्ले मॉडलिंग सीखना चाहते हैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से, वो इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। और अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर से मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं मिट्टी से हमारा आज का जो क्ले मॉडलिंग है उसका मेजरमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो जो मिट्टी में यूज़ कर रहा हूँ वो नेचुरल क्ले है, हमारे नेचर में जो मिट्टी मिलती है ये वही क्ले है। ये मिट्टी क्रैक ना हो जाए इसीलिए इस मिट्टी को मैं अलग तरीके से रेडी कर लेता हूँ क्ले मॉडलिंग के लिए। तो आप भी अगर जानना चाहते हैं कि इस मिट्टी को मैं कैसे रेडी करता हूँ तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। आप जाके अगर उस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो आपका मिट्टी में भी क्रैक बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो देखिए, मैं उसी मिट्टी से इस मॉडलिंग को कर रहा हूँ, तो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप करूँगा, तो इसीलिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा अगर आप सीखना चाहते हैं तो। गाइज, आज के क्ले मॉडलिंग का सबसे खास बात ये है कि आज के इस क्ले मॉडलिंग के अंदर मैं कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी आर्मेचर में नहीं दूंगा, मतलब पूरा का पूरा जो मॉडल है ये सिर्फ मिट्टी से बनेगा, ठीक है। तो इसका प्लस पॉइंट क्या है? इसका प्लस पॉइंट ये है कि इससे आप कोई भी मिट्टी से बनाओ ये क्रैक बिल्कुल भी नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। मतलब आप कितनी भी करक मिट्टी लो या फिर कितनी भी, मतलब जो भी मिट्टी लो, अगर आप बिना स्ट्रक्चर के कोई भी मॉडल या फिर कोई भी स्कल्पचर बनाते हो तो वो सूखने के बाद बिल्कुल भी क्रैक नहीं होगा, ठीक है। We'll be right back.
तो गाइस देखिए, अभी हमारा जो मूर्ति है इसमें जो मेजरमेंट का जो पार्ट है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। और अभी हम क्या करेंगे, इसका जो फेस है तो अभी उस फेस को हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। तो गाइस इससे पहले मैंने बहुत सारा फेस बनाने का वीडियो मैंने अपलोड किया है इस चैनल पर। आपने अगर अभी तक उस वीडियो को ना देखा हो तो ज़रूर से मेरे चैनल को विज़िट करिए और देखिए उस वीडियो को। बिल्कुल भी बच्चे से लेकर एकदम ओल्ड मैन तक सभी तरह का फेस मैंने बना के दिखाया है उस वीडियो में, तो इसीलिए उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो गाइस अभी चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इस मूर्ति का जो फेस है वो हम बनाना स्टार्ट करते हैं।
तो गाइज अभी देखिए हमारा जो मूर्ति है ये लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम सिर्फ इसका जो हेयर है उसको हम कर देंगे, तो उसके बाद हमारा जो ये मूर्ति है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज देखिए अभी मैं एक क्ले इंस्ट्रूमेंट से इसका जो हेयर है उसको मैं कर रहा हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, पानी से और ब्रश से इसको एक क्लीनिंग करेंगे, मतलब ब्रशिंग करेंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस आज का ये जो वीडियो है इसको बनाने में मेरे को बहुत ही मेहनत लगी है, तो इसीलिए आज का इस वीडियो का मैं लाइक का एम रखता हूँ 500। गाइस प्लीज़ आप इस वीडियो में 500 लाइक का जो टारगेट है वो कंप्लीट कर देना। मैं जानता हूँ कि आप लोग ये ज़रूर कंप्लीट कर ही देंगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दे इस वीडियो को जो क्ले मॉडलिंग सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो गाइस देखिए अभी मैं पानी से इस पूरा मूर्ति को ब्रशिंग कर रहा हूँ ताकि ये क्लीन हो जाए, और क्लीन होने के बाद देखिए ये दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसके बाद ये जो मैं क्लीन कर रहा हूँ इसके बाद हमारा जो क्ले मॉडलिंग है ये कंप्लीट हो जाता है। तो गाइज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आज की ये जो वीडियो है, ये जो क्ले मॉडलिंग है, ये बहुत ही अच्छा लगा और इससे ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला। तो गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हाँ उस 500 लाइक का जो टारगेट है वो ज़रूर कंप्लीट कर देना। तो गाइज़ थैंक यू सो मच।